हर हर महादेव। एक जो है शोभन कुमार पंडा जी हैं, उत्कल ब्राह्मण हैं, काणव शाखा है इनकी। इनके दो प्रश्न हैं, अभी प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हैं। इन्होंने पूछा है कि क्या द्विज वर्ण की दुर्दशा इसी कलिकाल में ऐसी हो रही है या अन्य कलिकालों में भी ऐसी होती थी। द्विज वर्ण की ये जो हालत है, मतलब खास रूप से ब्राह्मणों का ये जो पतन है, ब्राह्मण लोगों की जो ये दुर्दशा है, अशास्त्रीयता है, तो ऐसा हर कलयुग में होता है या इसी में है। माने ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो वर्तमान में कलयुग चल रहा है, ये जितना खतरनाक है, क्या गत कलयुग भी ऐसे ही थे या उनमें कुछ राहत थी, कम थे। बहुत अच्छा प्रश्न है। एक बार पूज्य गुरुदेव से हमारी चर्चा हुई थी इस विषय पर, तो हमारे मन में जो विचार था वो तर्क संगत कुछ ऐसी हमने गुरुजी को बतलाया। हमारा ये मानना था कि अन्य गत कलयुगों से ये वर्तमान में जो कलयुग चल रहा है, ये अधिक खतरनाक और अशास्त्रीयता देने वाला है, तो गुरुजी ने इसका समर्थन किया था। यही कुछ बातें मैं अब बतला रहा हूं। देखिए, हमारे यहां शास्त्रों में आता है कि जो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु थे, तो भगवान के पार्षद ही थे, श्राप के कारण राक्षस हो गए थे। बड़ा ही घोर तप करके इन्होंने वो शक्ति अर्जित की और फिर कई दिनों तक राज्य किया। राज्य तो वही तामसमय था, तमस प्रधान, स्वर्ग को भी जीत लिया, पाताल तो था ही, मर्त्य लोक पर भी इनका राज्य हो गया, तो ये सब किया। तो कई दिनों तक, कई युगों तक इनका राज्य रहा। तो कई युगों तक राज्य रहा, तो उसमें कलयुग भी आया। और उसके राज्य में बतलाया गया था कि भूमि अपने आप अन्न देती थी बिना जोते बोए, देखना श्रीमद् भागवत में ही लिखा हुआ है। और आकाश चलचित्र दिखाता था, जहां का वो देखना चाहे वो दृश्य दिखाता था। समस्त देवता इत्यादि उसके वशवर्ती थे, जहां चाहे वहां जल वृष्टि होती थी। इतना वैभव समस्त देवताओं का कार्य स्वयं ही संभालता था। सब इर्द गिर्द में इधर उधर घूमते रहते थे। इतना उसका कठोर वक्षस्थल था कि भगवान विष्णु का अमोघ सुदर्शन चक्र उसके वक्षस्थल पर टक्कर मार करके लौट गया, उसको कुछ भी नहीं हुआ था। वरदान था ना, क्योंकि उसका वध तो किसी पुरुष देव इत्यादि से हो ही नहीं सकता था, किसी शस्त्र से हो ही नहीं सकता था। तो ऐसा माने कि ऐसा विपरीत मति वाला। तो कई दिनों तक उसने राज्य किया, लेकिन उसके राज्य में ऐसा नहीं था कि ये सब लाइट बिजली या इतने आजकल जो उपकरण चल रहे हैं, मोबाइल और ये सब, ये जो परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, ये सब चल रहा है, टीवी, नेट, और आजकल जितने बर्बादी के जितने साधन चल रहे हैं, इन सबों का कोई भी वहां लेखा जोखा नहीं था। कलयुग भी आया, उसका चारों युगों में राज्य था। तो राज्य जैसा सतयुग में था वैसा ही कलयुग आ जाता था, वैसा ही करता था, क्योंकि उसके नियम वही थे। हाँ, यज्ञ इत्यादि रोक दिया, सात्विकी कर्म उसने रोक दिए, लेकिन तब भी वो बाण चलते थे, तपस्या से ही, मंत्रों से ही बाणों में शक्ति आती है, ये सब कार्य तब वही थे। तो ये सब वर्णाश्रम धर्म पर उसने हानि की, लेकिन इतनी नहीं की। लोगों के मन में था, लोग कर नहीं पा रहे थे। रावण इत्यादि का लिखा है कई दिनों तक, कई युगों तक राज्य रहा है, कई अलग अलग मनवंतर तक रहा, या जो जो भी है, चारों युगों में तो रहा ही है, ये तो निश्चित ही है, कई चारों युगों में रहा है रावण का राज्य, अलग अलग कथाओं के अनुसार।
तो वो उसका भी राज्य था, तो वो भी वर्णाश्रम धर्म की तो हानि की इन लोगों ने। लेकिन हम लोग जो है मन में ये रखते थे कि हमें वर्णाश्रम धर्म का पालन करना है और ये राजा नहीं करने दे रहा है, अमुक व्यक्ति नहीं करने दे रहा है। देखिए जब अभी वर्तमान से तुलना करिए, हमारे देश पर जब मुगलों ने शासन किया था और कई धार्मिक मामलों में उन्होंने हमको जो है प्रतिबंधित कर दिया था, हम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हमारे मन में था कि हमको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये लोग नहीं करने दे रहे लेकिन हम करेंगे, तब भी धर्म सुरक्षित रहा और लोगों ने वर्णाश्रम धर्म को बचा करके रखा। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि लोगों को बदलाव वो करना नहीं चाहते हैं, लोग स्वतंत्र हैं फिर भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके हृदय से सनातन धर्म निकल गया है, उनके हृदय में पाप ने अड्डा जमा रखा है। या तो वो धर्म पालन करते तो पाखंडमय करते, लोगों को दिखावा करते, या वे करते ही नहीं है, लोग जानते तक नहीं है धर्म के बारे में। ये इस कलयुग का प्रभाव है। अर्थात अन्य कलयुगों में ऐसे लोगों का, बड़े दुराचारी लोगों का राज्य रहा, तो इतने वे जो है बलवान थे कि उनका वध करने के लिए स्वयं परमात्मा को आना पड़ा, लेकिन फिर भी उस समय वर्णाश्रम धर्म था, जीवित था, उस समय ऋषि महर्षि थे, देवताओं का आना जाना होता था, और इतना ये जो सब ये नहीं था। इसका किसी भी कलयुग का वर्णन कई हर पुराणों में है, हर संहिता में जो है कलयुग का वर्णन है, लेकिन कहीं भी ऐसा जो आजकल चल रहा है ये सब नहीं है। तुलसीदास जी ने भी कलयुग का बड़ा स्पष्ट रूप से वर्णन किया है, यहां तक लिख दिया है कि नहीं माने कोई अनुजा तनुजा। कलयुग की वो स्थिति आती है कि जिसमें लोग अपनी बहनों को, बेटियों को भी नहीं समझते हैं और उनके साथ भी दुष्कर्म कर बैठते हैं, ऐसा कलयुग का तांडव होता है। और ये कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, ये तो सब हो गया, और कलयुग जाने कहां तक पहुंच गया। तो सीधा जी कहते कलयुग में केवल द्विजों का चिन्ह जनेऊ रह जाएगा, केवल यज्ञोपवीत उनका चिन्ह रहेगा और वो कर्म कुछ नहीं करेंगे। आजकल वो भी नहीं रहा। हम तो कलयुग की जो भविष्यवाणी गोस्वामी तुलसीदास जी पाद ने की उससे भी आगे निकल गए। ब्राह्मण यज्ञोपवीत संस्कार करवा ही नहीं रहे, डाल ही नहीं रहे। लो और आगे चले गए हम लोग। तो ये कलयुग बहुत खतरनाक है, इसलिए इस कलयुग में ऐसी उलवण वातावरण में रह करके जो अपना कल्याण करना चाहते हैं वे वर्णाश्रम धर्म का अवश्य पालन करें। किसी ने हमसे कहा हुआ था कि जब सब शास्त्र कह ही रहे हैं कि कलयुग में धर्म रहेगा नहीं, वर्णाश्रम नहीं रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा, ये सब हो जाएगा, तो फिर आप क्यों चिंतित होते हो, क्यों बार बार धर्म की व्याख्या करते हो, वो तो रहेगा ही नहीं, पालन ही नहीं करना। अरे भाई इसका उत्तर ये है गुरुजनों के द्वारा प्राप्त कि कलयुग जैसे किसी ने कह दिया कि भाई वहां बद्रीनाथ क्षेत्र में आप इसमें जाएंगे अभी तो वहां बहुत सर्दी होती है, और ऊपर चढ़ेंगे तो वहां तो बर्फ पड़ती है, लोग वहां जो है ठंड के मारे मर भी जाते हैं, इतनी ठंड पड़ती जम जाता है खून, और ऊपर ग्लेशियर जहां जो है हमारे ये जो है सेना के लोग जाते हैं वहां सुरक्षा करने के लिए, वहां तो बहुत कई डिग्री माइनस टेम्परेचर रहता है, वहां लोग जम जाते हैं, बड़े सावधानी से रहते हैं, भूस्खलन वगैरह सब हो ही रहा है। तो अब कोई वहां किसी को जाना पड़े और कोई कहे कोई यहां तो लोग मर जाते हैं, हमको तो मरना ही, क्योंकि उन्होंने कह ही दिया था, सबको पता है, इसका ये मतलब नहीं है, जो जिसने जो बतलाया उसका मतलब ये नहीं था कि वहां मत जाओ, वहां जाओगे तो मर जाओगे, या जाना ही नहीं है, या वहां गए तो वहां मरो अब, तो ये मतलब नहीं है। उनका मतलब था कि वहां यदि लापरवाही की, वहां यदि आपने ये आचरण नहीं किया तो आपको ऐसा होना पड़ेगा।
तो इसी प्रकार कलयुग की भविष्यवाणी जिन जिन पुराणों में या आचार्यों के द्वारा जो भी की गई है, उसका मतलब तात्पर्य यही है कि ऐसा खतरनाक कलयुग आने वाला है, इसमें ऐसा ऐसा सहज में होगा, तो इसमें सावधानी बरतनी है। ठीक है, धरी न काऊ धीर। देखिए, धरी न काऊ धीर सबके मन मनसिज हरे। जब कामदेव ने भगवान शंकर पर प्रकोप किया था उनकी समाधि भंग करने के लिए, तो उसने अपना प्रभाव चारों तरफ फैला दिया। तो उस समय ऐसा था कि संगम करें तलाब तलाय, ये जो पुष्कर पुष्करणिया तलाब और तलैया ये आपस में मिलकर के संगम करती हैं। लता निहार नवह तरु शाखा, ऐसी स्थिति काम की कि कोई लता है, बेल है, उसको देख करके उसका स्पर्श पाने के लिए वृक्ष की शाखाएं झुक करके उसका स्पर्श करती थी, ये स्थिति हो गई। तो जहां ये दशा जड़ों की बतलाई गई, को कह सका है सचेतन करणी अवला पुरुष मय पुरुष अवला मयम, ये स्थिति हो गई थी। लेकिन ऐसे उल्बण वातावरण में भी जो धीर थे, भगवत भक्त थे, ज्ञानी थे, संयमी थे, वे बच गए। धरी न काहू धीर सबके मन मनसिज हरे, लेकिन जे राखे रघुबीर ते उभरे ते काल मह, वे उस समय भी बच गए। इसलिए सावधानी की सदा आवश्यकता है, और जिन जिन घटनाओं को होने के लिए शास्त्रों ने कहा है तो उनसे सावधान हम रहें, उनसे सावधान बने रहें, भगवान नाम का जप करें, अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करें, तो ऐसे कलयुग से भी बचा जा सकता है। और जो लापरवाह हैं, जिन्होंने ना तो भगवान नाम का सहारा लिया, वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं किया, सदाचार का व्यवहार पालन अनुपालन श्रवण पठन कुछ भी नहीं किया, तो ऐसे लोग तो जो है गर्त में जाने वाले हैं। इसलिए ये सावधान शास्त्र कर रहे हैं, और ये कलयुग अन्य सभी कलयुगों की अपेक्षा ज्यादा खतरनाक है, इसलिए और ज्यादा सावधानी की आवश्यकता है, ऐसा विद्वानों सज्जनों आचार्यों का मानना है। हर हर महादेव।